ये आप देखो, ये जो इसके ऊपर का जो व्यू है, इससे आपको और भी क्लियर पता चलेगा। इस तरफ देखोगे आप कि ये पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन है, और ठीक इसके आप उस तरफ देखोगे कि जो गंगा नदी है, काफ़ी दूर तक आपको दिखेगा। जो ये पीछे देख रहे हो, ये मरीन ड्राइव भी है, और ये मरीन ड्राइव का सबसे खास जगह और सबसे अच्छा लोकेशन है, इसलिए क्योंकि आप गाड़ी भी आप देखोगे, यहाँ मेरे सामने गाड़ी लगी हुई, ये नगर निगम आप देख रहे होगे। तो ये कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो नया ब्लॉग लेकर के आप सभी के सामने हाजिर इस वक्त मैं ऐसे जगह जो कि है तो गांधी मैदान में, लेकिन आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये मरीन ड्राइव भी है, और ये मरीन ड्राइव का सबसे खास जगह और सबसे अच्छा लोकेशन है, इसलिए क्योंकि ये जो है यहीं से पीछे बगल में मेरे पीछे आप देखोगे, ये गांधी मैदान को जोड़ता है इसके जस्ट राइट साइड में, और पीछे PMC जाता है, और मेरे ठीक सामने जो है वो एम्स की तरफ जाता है, अटल पथ की तरफ जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इसको आप ग्लूमर कर से कह सकते हो, और इसके पीछे भी एक ब्रिज है जो ऊपर से जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ का एक खूबसूरत जो नज़ारा, जो दृश्य है, वो आपके साथ में शेयर करूँ। मेरा काफ़ी तेज चल रहा है, आप देख रहे होंगे, मेरे बाल भी उड़े जा रहे हैं, तो आवाज़ में थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, थोड़ा सा बीच में रिस्ट्रिक्शन थोड़ा हो सकता है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो कुछ थोड़े से ही शॉर्ट में, थोड़े से कम टाइम में ही एक अच्छा सा और वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो, सामने विश्वकुमार भवन है जो कि गांधी मैदान में है, और ये जो सामने जो आपको सारे गाड़ियां आती दिख रही हैं, ये सीधे यही गांधी मैदान को जोड़ता है। और जो मैंने अभी दिखाया पीछे जो लोकेशन जिसके बारे में, वो वहाँ है, तो वहाँ से ये यही रास्ता जो है वो सामने गांधी मैदान को चला जाता है। तो ये ख़ास जगह है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि यहीं से बहुत सारे यहाँ भी जगह से जो है ना, वो आपको गांधी मैदान को जोड़ता है, और उसके ठीक सामने PMCH को जोड़ता है, और ये सीधे आपको चला जाता है एम्स अटल पथ। तो ये इसीलिए ये ख़ास है ये प्रोजेक्ट यहाँ का। तो ये आप देखो, ये जो इसके ऊपर का जो व्यू है, इससे आपको और भी क्लियर पता चलेगा कि ये कितना अच्छा यहाँ एक लोकेशन भी है, और एक अच्छा कनेक्टिविटी यहाँ से भी है, जो एक रोड को दूसरे रोड से जोड़ता है। तो एक अच्छा खूबसूरत यहाँ का लोकेशन है। इस तरफ देखोगे आप कि ये पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन है, और ठीक इसके आप उस तरफ देखोगे कि जो गंगा नदी है, काफ़ी दूर तक आपको दिखेगा जो जंगल, और काफ़ी दूर के बाद पानी है, और कुछ रेत वाला जो ज़मीन है वो आपको दिखेगा। तो एक तरफ ये रोड का कंस्ट्रक्शन है नदी के किनारे, और उसके बगल में पूरा नदी है, और आप देखोगे कि नगर निगम की तरफ से सफाई का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रहता है। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हो सामने, ये हर दिन काफ़ी
सड़कों को, इधर की जो मरीन ड्राइव की जितनी भी जो सड़कें हैं यहाँ से वहाँ तक इतनी लंबी, इनको पूरा जो है सफाई का काम नगर निगम काफ़ी अच्छे से करती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जितनी भी आप हर तरफ देखोगे सड़कें हैं, सारा एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है। सो इस वजह से, क्योंकि नगर निगम सफाई का काफ़ी ध्यान देता है, यही नहीं पूरे पटना में भी, और इधर और भी बेहतरीन लगता है। क्योंकि आप गाड़ी भी आप देखोगे, यहाँ मेरे सामने गाड़ी लगी हुई है नगर निगम, आप देख रहे होगे, तो ये इसी गाड़ी से जो है ना क्लीनिंग होता है यहाँ की सड़कें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और जो भी कुछ था इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, कुछ खूबसूरत नज़ारे थे, कुछ खूबसूरत दृश्य थे जो मैं आपसे शेयर किया। ये ख़ास जगह था इस मरीन ड्राइव का, क्योंकि ये बगल में ही है गांधी मैदान के, क्योंकि ये जो है कनेक्टिविटी जुड़ता है गांधी मैदान PMCH और एम्स तक जाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर किया। वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है और आवाज़ में भी थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा मुझे, मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज करना। इसीलिए मैंने थोड़े से ही समय में एक इम्पोर्टेंट यहाँ का वीडियो आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।